दुर्ग के वार्ड 37 मील पारा में किसी बात को लेकर दो गुटों में विवाद के बाद एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। वही चाकू की वार से घायल युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। आपको बता दें कि दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 37 दुर्ग में कब्रिस्तान के ठीक पीछे मोहल्ले में हुई चाकूबाजी की घटना में आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार की देर रात मृतक शंकर यादव को आरोपी के द्वारा कई बार चाकू से हमला किया गया। हमला करने के दौरान आरोपी मौके से फरार भी हो गया। आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर मृतक को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शंकर यादव की मौत हो गई। मृतक शंकर यादव प्राइवेट ड्राइविंग का काम करता था। इस दौरान मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी की पतासाजी शुरू की और घेराबंदी कर आरोपी को धर भी दबोचा। इस मामले में एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी। ये थाना कोतवाली के अंतर्गत घटना की सूचना मिली थी। ये कल रात की घटना है। इसमें पता चला था कि दो पक्षों के बीच आपस में लड़ाई हुई है। लड़ाई के दौरान जो दो लोगों ने मिलकर जो पीड़ित है उसके ऊपर चाकू से हमला किया है और हमला करने से वो बुरी तरीके से घायल है। सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पर पहुँची और जो आहत था उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तो तत्काल पुलिस ने उस पर हत्या का मामला दर्ज करके आरोपी की पतासाजी करना चालू किया और उसे देर रात अपने कब्जे में ले लिया। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।